इफको एमसी ने मनाया 8वां स्थापना दिवस। कृषि रसायन के क्षेत्र में दिनांक 28 अगस्त 2015 को स्थापित हुई संस्था इफको एमसी इफको एवं मित्सुबिशी का संयुक्त उद्यम ने 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन भीकापुर अकालगंज वाराणसी में किया गया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि श्री सुनील पटेल प्रधान उपस्थित रहे। इफको एमसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल डिंगरा ने वीडियो संदेश के माध्यम से इफको एमसी के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के 3 मूलभूत सिद्धांतों सही दवा सही दाम व किसान सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। इफको एमसी से PAME श्री अनिल सिंह जी द्वारा सभी किसान भाइयों को इफको एमसी की अब तक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई तथा मिर्च की फसल में लगने वाले रोग व कीटों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको विस्तार से। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार। देश भर के किसान परिवारों के मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सभी चैनल पार्टनर्स जो हमें सीधे किसानों से जोड़ते हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने हमारी जो कंपनी है उसकी अभी तक के पूरी यात्रा में वो उत्प्रेरक रहे हैं, कैटलिस्ट के रूप में रहे हैं, उन सभी को मैं अनिल ढिंगरा प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी इफको एमसी क्रॉप साइंस अपनी संस्था की ओर से और अपनी ओर से उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको हार्दिक प्रणाम करता हूं। 8 साल पहले 28 अगस्त 2015 को इफको एमसी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का उद्भव हुआ और ये जो संस्था है यह इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको जो देश की नामी उर्वरक उत्पादक और वितरण करने वाली संस्था है तथा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन टोक्यो जो कि वैश्विक स्तर पर जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उनका ट्रेडिंग होता है, उनका जो व्यवसाय होता है वो करने वाली संस्था है। इन दोनों के संयुक्त उद्यम के रूप में ये संस्था प्रादुर्भाव में आई और तब से 7 साल की इसकी यात्रा में इस संस्था ने काफी प्रगति की है। इस संस्था का जो उद्भव हुआ उसका मूल कारण ये था कि दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों को जो एग्रोकेमिकल्स हैं, जो कृषि रसायन हैं, उनकी उपलब्धता सीमित थी और उनकी जो कीमत होती थी वो कीमत निश्चित नहीं होती थी। किसानों को हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता का निश्चित कीमत पे एक उत्पाद की हमेशा आवश्यकता रहती थी और चूंकि इफको एक प्लांट न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं जो एक पौधों के विकास के लिए जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, उस क्षेत्र में तो अग्रणी नाम था ही, लेकिन एग्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में एक कमी सी महसूस हो रही थी क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में कोई भी कृषि रसायन नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इफको से अपेक्षा की गई कि वो इस क्षेत्र में आगे आए और उसी कारण से इस संस्था का निर्माण हुआ। सहकारी क्षेत्र के माध्यम से कृषि रसायन उपलब्ध कराने के पीछे 2-3 उद्देश्य रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी कृषि रसायन जो है उर्वरकों के साथ साथ उपलब्ध हो जाए किसानों को, उनको अलग से प्रयास न करना पड़े, सही गुणवत्ता के कृषि रसायन उपलब्ध हों और सही कीमत पर उपलब्ध हों। अपने इसी दृष्टिकोण के साथ इफको एमसी क्रॉप साइंस शुरू से लगातार आगे बढ़ी है और किसानों को जो सलाह दी जाती है उसमें सही मात्रा जो है सही समय पर उपयोग और सही तरीके से उपयोग, इन सब चीजों के बारे में लगातार जानकारी दी जाती है। इन्हीं सब सोच के तहत इफको एमसी ने अपना मिशन तैयार किया है जिसमें किसानों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविक उत्पादों और ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास हैं, किसानों के लिए नई पीढ़ी के उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास हैं और अपने कर्मचारियों के ज्ञान को लगातार बढ़ाए जाने, उनका विकास करने ताकि आगे वो ज्ञान को किसानों तक पहुंचा सके, इसके प्रयास हैं। इसी मिशन के साथ हमने अपना शुरू से कार्य किया है और लगातार 7 वर्षों में अपने आप को आगे ले जाते रहे हैं। इस दौरान हमारे पास कई चुनौतियां भी आई हैं। सबसे पहली चुनौती तो हमारे जो चैनल पार्टनर्स थे उनके लाइसेंस की थी, क्योंकि हमारा जो एक प्रकार का केंद्र है वो सहकारी समितियां रहती हैं, क्योंकि अभी तक सहकारी समितियां कृषि रसायनों के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाई थी। उनको आगे लाने का जो प्रयास था उसमें एक लाइसेंस प्रक्रिया के तहत एक जो आवश्यक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, एक शिक्षा का जो एक स्तर है जो आवेदक है उसका होना चाहिए, उसकी एक आवश्यकता होती है, वो एक समस्या सामने आई, उसकी आवश्यकता थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस तरह का एक नियम लागू किया था
उसको भी हमने किसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके उनकी क्वालिफिकेशन उपलब्ध करा के और इस तरह से हमने उनको लाइसेंस दिलाने का प्रयास किया। और दूसरी चुनौती जो सामने आई वो सबके लिए थी, वो थी कोविड-19 पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, जो चारों तरफ एक हाहाकार मचा था और पूरी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई थी। उसमें सभी कंपनियों ने एक अच्छा कार्य किया और इसको एमसीबी अपने आप लोगों के सहयोग से, अपने चैनल पार्टनर्स के सहयोग से, अपनी प्रोडक्शन की जो टीमें हैं, उत्पादन करने में जो लोग लगे हुए हैं उनके सहयोग से इस चुनौती से उबर पाई है। इस दौरान जब हमने शुरुआत की थी हमारे पास 10 राज्य थे, 16 उत्पाद थे, वहां से बढ़ के आज 17 राज्य हमारे पास है जहां पे हम कार्य कर रहे हैं। और अमूमन देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो सबसे जो कृषि के बड़े क्षेत्र हैं, सभी को हमने कवर कर लिया है। और इसके साथ ही हमारे उत्पादों की संख्या भी 4 गुना बढ़कर 63 हो गई है। जो नए उत्पाद हैं इनको हम लगातार एनालिसिस करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं कि इसमें कौन से उत्पाद हमें कायम रखने हैं और कौन से नए उत्पाद लेके आने हैं। इस तरह से हमारी जो उत्पादों की श्रृंखला है वो भी लगातार बदलती रहती है और उसमें एक इम्प्रूवमेंट जिसको हम कहते हैं एक विकास है वो लगातार होता रहता है। इन सब चुनौतियों के बीच में हमारा सबसे बड़ी चीज जो हमें सहयोग आप लोगों का रहा और एक लोगों का विश्वास बना रहा वो था हमारा बिजनेस मॉडल। जो हमारी व्यावसायिक नीति थी उसके तहत हम जो वास्तव में उत्पाद की कीमत होती है उसी कीमत को हम एमआरपी के रूप में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो पैक्स हैं उसके ऊपर छापते हैं। अतः कोई भी किसान जो इसको एमसी का जो हमारा उत्पाद लेगा, कृषि रसायन लेगा, वो देश के किसी कोने में भी ले, उसको सही कीमत पर वो उत्पाद उसी कीमत पर उपलब्ध होगा। इससे उस उत्पाद के बारे में उसका एक विश्वास जागता है और जहां तक क्वालिटी की बात है उससे हमने कभी भी समझौता नहीं किया। इसी कारण से हमारी जो लगातार विकास है, हमारा जो विक्रय है वो करीब करीब 7 साल में 5 गुना बढ़ चुका है और संस्था को आप लोगों के सहयोग के कारण कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्था लगातार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों का जो हित है उसको भी हमने अपने मस्तिष्क में सर्वोपरि रखा है। इसी कारण से इफको एमसी ने शुरू से ही किसान सुरक्षा बीमा योजना को लागू किया। ये एक अद्वितीय योजना है जो किसी और संस्था के पास नहीं है, जिसके तहत जो भी किसान भाई हमारा कृषि रसायन क्रय करते हैं वो अपने आप ही स्वतः ही उनका सुरक्षा बीमा हो जाता है, जो किसी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थिति में न रहने पर या पूर्ण अपंगता या आंशिक अपंगता होने पर भी उनको एक सहयोग राशि इंश्योरेंस कवरेज के तहत मिलती है। इसमें जो योजना है ये अपने आप में अद्वितीय योजना है, जिसमें आप किसान भाई जिस समय समय पर जो उत्पाद खरीदते चले जाते हैं इस योजना के तहत उनका जो कवरेज है, जो एक इंश्योरेंस राशि होती है वो बढ़ती चली जाती है और ये अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। जिस समय उत्पाद खरीदे जाते हैं उसके 31वें दिन से ये योजना अपने आप लागू हो जाती है और अगले 1 साल तक लागू रहती है। और जिस तरह से आप उत्पाद खरीदते चले जाते हैं उस तरह से इस योजना का भी एक प्रकार का इकट्ठा होना या जिसको कहते हैं एक्यूमुलेट होना वो शुरू हो जाता है और आपका इंश्योरेंस कवरेज लगातार बना रहता है। इस योजना के कारण किसानों का, किसान परिवारों का एक बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला है और उनका एक विश्वास इस संस्था के प्रति जागा है। मैंने एक चीज और कही आप लोगों से, मैं कहना भी चाहूंगा कि ज्ञान जो है वो आज प्रगति का सबसे बड़ा एक कारक होता है। और एक रॉबर्ट वॉयस का कहना भी है कि साझा किया ज्ञान इस शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। हमारी भी यही सोच रही है और हम अपनी जो टीम है, हमारे जो लोग आपके बीच में काम करते हैं उनका ज्ञानवर्धन लगातार करते रहते हैं ताकि वो आपके बीच में काम करते समय आपको भी ये ज्ञान प्रदान करें और ये जो ज्ञान है ये कई गुना अपने आप में बढ़ जाए। अज्ञानतावश काफी नुकसान उठाना पड़ता है जो नहीं होना चाहिए और इसी कारण से हमारी टीम जो है, हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपके लोगों के बीच में लगातार कभी फसल संगोष्ठी के माध्यम से, कभी खेत दिवस के माध्यम से, कभी किसान सभाओं के माध्यम से और हमारे चैनल पार्टनर्स जो होते हैं उनको विशेष रूप से जानकारी देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप सबसे पहले वहीं जाते हैं, उनको सहयोग से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लगातार ये ज्ञान जो है उसको
देते रहते हैं, और उसके साथ ही उस पर कोई अगर उनकी कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, उसका निराकरण भी उनको करते रहते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से इस बारे में उत्पाद देते समय सही उत्पाद दें, कोई गलत चीज आपके पास ना जाए, और आप भी जब उसका उपयोग करते हैं उत्पाद का तो सही तरीके से उसका उपयोग कर पाए। बहुत सारे शोध और विश्वव्यापी अन्वेषण के बाद हमने ह्यूमेक्सू नाम का उत्पाद आपको उपलब्ध कराया है। बहुत प्रभावी है, और जब इसे उपलब्ध कराया गया और आज भी इसकी कीमत जो है, जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं इसी तरह के दूसरे जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं उससे आधी कीमत पर ये उपलब्ध है। और इसी तरह से हमारा सल्फर बेस्ड जो एक ससागे है वो उत्पाद है, और एमिनो एसिड बेस्ड एमिनोस है। ये सभी उत्पाद ऐसे हैं जो सही कीमत के ऊपर किसान की जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए, उसकी यील्ड अधिक से अधिक हो, इसके लिए ये बहुत प्रभावी उत्पाद हैं जो हमने आपको रिसर्च के बाद उपलब्ध कराए हैं। जैसा मैंने कहा कि किसान हमेशा इसको एमसी के दिल में रहता है, और यही कारण है कि जो हमारे उत्पाद हैं उनकी संख्या अब 4 गुना बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो लगातार प्रयासरत है कि आपको कुछ ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं जो